السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري

जो आयत मैंने तिलावत की है रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वहीं रसूल तबैयन एल्ह के रसूल वसल्लम, जो कोई आपका रास्ता छोड़कर अलग रास्ता अख्तियार करेगा युश शिख़ की जमा है शिख़ पिगडी को कहते हैं राह रास्ते को कहते हैं फरमाया वैशल मुम्बा दिमा तबैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता निकालेगा बाद इसके के अल्लाह तआला आपको हिदायत और हक के साथ भेजा है गैर सबीलिल मुमिनीन और उस राह की पैरवी करेगा जो मोमिनों की नहीं है मा मातवल्ला व नही जहन्नम हम भी उसे उसी राह की तरफ फेर देंगे और ले जाएंगे उसको जहन्नम वसात मसीरा बिलाशुबा वो बहुत ही बुरा ठिकाना है ग़ौर करने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला रसूल की राह के साथ मोमिनीन के राह को छोड़ने वालों के लिए भी फरमाया कि जहन्नम है गौर करने का मुकाम यह है कि मोमिन जब यह आयत उतर रही थी कौन थे किन के बारे में अल्लाह तबारक व कहता है कि ए रसूल आपकी राह छोड़ने वालों के लिए और मोमिनीन की राह को छोड़ने वालों के लिए हम जहन्नम का वादा करते हैं बेशक वो बहुत बुरा ठिकाना है किन के लिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि यह की राह छोड़ेंगे तो जहन्नम है यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके लिए अल्लाह व तआला कहता है कि उनकी राह छोड़ेंगे उनकी राह नहीं अपनाएंगे तो रसूल की राह भी तुम्हें समझ नहीं आएगी रसूल की राह समझने के लिए सहाबा की राह को समझना ज़रूरी है सहाबा की राह को छोड़ोगे तो वो भी जहन्नम ही की तरफ ले जाने वाली राह है वरना सिर्फ रसूल काफ़ी था तो फरमाता के वईशाक़िर रसूल मसला ख़त्म हो जाता ये आयत काफी थी कि जो कोई अल्लाह के रसूल का साथ छोड़ देता है राह दूसरी इख्तियार करता है तो हम उसको उसी राह की तरफ फेर देते और उसको ले जाते जहन्नम लेकिन अल्लाह ने ऐसी आयत नहीं उतारी फरमाया कि वमं यशाक़िकुर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल लहु हुदा व यत्तबीअ गैरा सबीलिल मुमिनीन और मोमिनिन की राह को छोड़कर जो इत्तबा करता है क्यों اصحاب रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल की राह को समझने के लिए सबसे बड़ा नमूना है इसी वजह से फरमाया कि फइन आमनू बिमिसलिमा आमनतुम देखो उन्हीं के जैसे ईमान लाओ तुम भी तभी वो ईमान मेरे पास काबिल कबूल है ये असहाब रसूल अलैहि वसल्लम की शान है अब इस राह को अपनाने में अब रसूल वसल्लम से कभी कुछ गलती हुई है वोमी तौर पर फजीलत का इनकार करने वालों के पास बदबकतों के पास क्या दलाइल है पता है देखिए सहाबा इंसान है नबी नहीं है नबी मासूम अनिल है नबी का मामला मसूम अल्लाह तबार को वाली ख़ुसूसी हिफाज़त करते हैं नबी की और वो गुनाहों से नसीान से बचा लिए जाते हैं गलती नहीं होती नबी से लेकिन सहाबा का ऐसा मामला नहीं इंसान है वो बहैसीयत इंसान के कभी कभार उनके हाथों से भी गलतियां हुई हैं अब ये बदबخت लोग जिन्होंने क्या किया सहाबा की फजीलत का इनकार किया है एक तो खुल के इनकार करने वाले बल्कि कुफर का फतवा लगाने वाले हैं शिया ये तो अहले सुन्नत में शुमार ही नहीं होते इनका मसला तो बड़ा वाज है लेकिन जिसका रोना हम रोते हैं वह है हमारे अंदर के अह सुन्नत कहलाने वाले वो आते जिन्होंने क्या किया असाब रसूल सल्लाह पे लान तान की है असहा रसूल सल्हुसम के को न माना है असहा रसूल सलम का इनकार किया है वजह क्या बनी उनके बाद गलतियां हैं जिनको पेश करके कहते हैं कि देखो जी इनके अंदर भी ये हुआ वो हुआ वो हुआ ये भी गलतियां करने वाले थे इनको कैसे हम नमूना मान लेंगे सवाल यह है कि गलतियां की हैं तो क्या गलतियां अल्लाह ने उनके बाकी रखी हैं गलतियां की हैं लेकिन अल्लाह तबार व तआला ने उन गलतियों को माफ कर दिया है जब अल्लाह ने माफ कर दिया पूछने वाला अथॉरिटी वो है आप गलतियां देखते ही चले जाएंगे तो नबी भी गलती किया है आप कहेंगे इस वजह से उनकी तकदीस कम हो गई हा फलाम शैत एक को लड़ते हुए हजरत मूसा पाते हैं तो गुस्से में एक तमाचा रशीद करते हैं तमाचा मारना था वह वही मर जाता है मारने के लिए नहीं मारते वो तो तमाचा मारना चाहते हैं लेकिन होता क्या है फवाह मूसा फ़कजा अलई मर जाता है वही पड़ जाता है खाला हाजा मिन अमल शैतान पुकार उठते हैं कि ये तो क्या शैतान का अमल होगा खाम खा मैंने एक बंदे को मार दिया एक बंदे का कत्ल कोई कह सकता है कि हजरत मूसा कत्ल किए थे नहीं क्यों अल्लाह ने कहा कि काला रबी इनकी गलम तो नफसी फगरली फ और वह आके पुकार उठे अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह मैंने अपने नस्फ जुल्म किया तो अल्लाह कहता है कि उन्होंने माफी मांगी और मैंने माफ कर दिया अब कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हजरत मूसा ने गलती की है रब कायन मुआजजा करने वाला है वो खुद कहते कि मैंने माफ़ कर दिया तो मसला ही खत्म है अब रसूल वसलम से जितनी गलतियां हुए खुद अल्लाह तबारक वर्न में शहादत दी कि हमने उन्हें माफ़ कर दिया वलकद हमने उन लोगों को माफ़ कर दिया बहैसीत बशरी बहैसीत इंसानियत उन्होंने गलतियां की हैं बस दफा ऐसे गलतियां सरस धुरी हैं लेकिन अल्लाह तबारा व तआला ने कुरान नाजिल कर दिया कि हमने उन्हें माफ कर दिया अब कोई ये नहीं कह सकता कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलतियां की हैं हजरत मिस्ता का वाकिया याद रख लीजिए बड़ी संगीन गलती है हजरत आयशा पे जब तोहमत लगाई गई ये अबू बकर के रिश्तेदार थे मिस्ता इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तोहमत लगाने वालों में नबी की बीवी पे तोहमत मुनाफिकीन ने लगाई थी लेकिन बाज अफवाहों की वजह से अच्छे मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए इन्हीं में मिस्ता है मिस्ता कौन है पता है बदरी सहाबी है एक मरतबा उनकी माँ से बेसाख्ता निकल जाता है हला का मिस्ता मिस्ता हला को बर्बाद हो पलट के पूछती अपने बेटे को बदुआ देती हो आपका बेटा है मिस्ता। है। आप कहते हैं कि हलाक हो जाए कहते हैं कि नहीं इस वजह से कह रही हूं कि तुम्हारे इल्जाम लगाने वालों में वो भी शरीक है फौरी तौर पर पलट के हजरत आयशा कहती है हाँ शरीक हो तो हो लेकिन वो बदर में शरीक हैं याद रखिए आप जिनके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने कह दिया है कि इन्नी खतगफर तो लक मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया जब हजरत अबू बकर सिद्दीक हो जाते हैं मिस्ताह पे अबू बकर सिद्दीक बड़ा इन्फाक करने वाले हैं बड़े बुलंद शख्सियत हैं लेकिन खुसूसी तौर पर अपने अहलोल अपने रिश्तेदारों को ज्यादा दिया करते थे मिस्ह के लिए तो खुसूसी माहाना वजीफा मुक्र करके रखा था हजरत अबू बकर ने जब उनकी बेटी पे तहमत लगी और उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो अबू बकर ने कसम खाई कि मैं मिस्ताह को एक पैसा नहीं दूंगा अल्लाह तबारको ने सातों आसमानों के ऊपर से वही उतार थी वलाफजल बिन कुमसबा वलमसा वलमहान फ़ी सबी वलयाफ़ू वल अल तो गफ़ूर क्यों लोग ऐसे नहीं हुए जो फ़जल करते हैं इनफ़ा करते हैं मस्किनों पर गरीबों पर यतीमों पर खराबदारों पर अल्लाह तबारा को वाला अल्लाह तो हिब्बू तुमने जो इन्फाक रिश्तेदारों पर कर रहे थे तबारा को वाल तुम्हें करे जैसे ही आए तो उतरी अबू बकर ने कहा कि हाँ अल्लाह हम तेरे माफी हम तेरे लिए क्या है खस्तगार हैं पर कसम को तोड़ा भागे भागे पहुंचे मिस्ताह के पास कहा कि जो कुछ देता हूं उससे दुगना दूंगा अगले महीने से अल्लाह तबारा व तआला ने फौरी तंबीह की है के मामले में हमेशा देखी जब भी कोई गलत फहमी हुई या तो अल्लाह तबारो व तआला ने फजीलत नाजिल कर दी या अल्लाह के रसूल ने बुला के तमबीह कर दी यह वो मुकद्दस जमात है जिसको जब कभी भी महफूज रखा गया जिनकी इतबा हुई लोग अमन और अमान के साथ राह जिनको छोड़ा गया मनमानी की कुरान के अंदर तो गुमराह हो गए इसी वजह से मैं ताकदन ईमान की हैसियत से बताता हूँ अहलसन्नति वाल जमात का एतकाद ये है अगर कोई सहाबी को गाली देता है और नीयत भी गाली ही देने की है तो मुतफा वल जमात का अकीदा है कि वह काफिर है गाली देता है लेकिन नीयत गाली देने की नहीं है बहकावे में आ गया है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार फासिक है कभी जबान पर सहाबा के शान के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं आनी चाहिए यह उम्मत का वो सरमाया है जिनको आप जितना महफूज रखेंगे कुरान और सुन्नत उतना ही महफूज होगा जब इनकी इज्जतों में इनकी हरमतों में इनकी तकदीस में नकब लगाई जाएगी कुरान सुन्नत भी इतना ही कमजोर हो जाएगा क्यों क्यों ऐसा होगा इस वजह से कि कुरान और सुन्नत को देखने वाले गवाह यही हैं जिस मुकदमे के गवाह कमजोर पड़ जाते हैं तो मुकदमा भी कमजोर पड़ जाता है आप कहें किसी को आप कहें किसी को तुम नाजायज औलाद तो नहीं हो क्या कहें तुम नाजायज औलाद तो नहीं हो लेकिन तुम्हारे निकाह जब बाप ने निकाह की तो गवाह जिन्होंने थे वह सबके सब जानी थे क्या हाल होगा उस बेटे का कोई कहे तुम नाजायज औलाद तो नहीं हो लेकिन निकाह की महफिल में जिन्होंने गवाही दी थी वो तो क्या झूठे पक्के झूठे थे जिनाकार थे क्या होगी हालत तुम्हारी तो इनडायरेक्ट कहना क्या चाहता है तुम भी नाजायज औलाद हो बेइनी ही यही मामला है कुरान अच्छा है हदीस सही है ये मानते हुए कहता है कि साहबा ने यूं किया था यूं किया था गलतियां की थी उन पे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था तो कुरान भी कमजोर हदीस भी कमजोर क्यों उन्होंने ही तो बताया था कि यह कुरान है यह हदीस है हमें कैसे पता चला कि यह कुरान है यह हदीस है वो तो मुकदमे के गवाह है गवाह को कमजोर करो मुकदमा बिल्कुल क्या है कमजोर हो जाता है इसी वजह से याद रख लीजिए सबसे पहले कुरान के गवाह सबसे पहले अहादीस के गवाह सल्लल्लाहु रसूल वसल्लम हैं, उनकी तकदीस की तकदीस है उनका एहतराम कलामुल्लाह का एहतराम है वो है सबसे पहले बताने वाले के कलामुल्लाह किन के लिए कैसे उतरा है उसी से ये मुकदमा मजबूत होता है मुसलमानों के अंदर यहूदियों की ये सबसे बड़ी साजिश है कि उन्होंने सहाबा का मामला कमज़ोर कर दिया क्यों कुरान पे तो वो कुछ नहीं कर सके मामला ये किया रसूल के असहाब को कमज़ोर करना शुरू कर दिया ताकि लोग कुरान और हदीस में एक एक करके तर्क करते चले जाएं इसी वजह से बदबकतों ने जब सहाबा को छोड़ा बहुत सोने ने हदीस बन गए अब एक स्टेप आगे बढ़ के क्या किया नाम का एक तबका फिर जिन्होंने ने सहाबा को छोड़ा ये अहले कुरान में भी कुरान के वो मुसलमान सबूत चीजें जो सब पूरे अहले सुन्नत मानते हैं उसका भी इनकार कर बैठे क्यों कहने लगे कि साहबा ने गलत समझा था वो तो काफिर थे वो तो फला थे वो तो ऐसे थे उनकी राय उनकी समझ हमारे लिए क्यों जरूरी है हम डायरेक्ट सोचेंगे चौदह सौ साल में कोई नहीं सोचा हम डायरेक्ट सोचेंगे फिर सोच के ऐसे ऐसे मसाइल अपनी मनमाने तौर पर निकाल लिए जो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है वजह क्या बनी अब रसूलुल्लाह का एहतराम कमजोर होना तो याद रख लीजिए के अंदर यह बात पैवस्त कर लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बुनियाद हैं बुनियाद मजबूत होगी हर मामला दुरुस्त होगा अगर इसके अंदर रखना है तो फिर हमारा हर मामला कमजोर होता चला जाएगा आज जिस सहाबी की जिंदगी है ये सहाबी बड़े शान वाले हैं इनके साथ जो वाकियात पेश आए इन वाकियात में हमारे लिए बड़ी नसीहतें हैं तारीख में इन्होंने अब्दुल्ला बिन हुजाफा के नाम से शहरत पाई अब्दुल्ला मैंने समझता कि सैकड़ों नाम सहाबा में मिल जाएंगे अब्दुल्लाह के लेकिन हर अब्दुल्लाह की एक शान निराली है हर अब्दुल्ला अपने मामले में एक निराला अंदाज रखता है यह अब्दुल्ला बिन हुजाफा भी बड़े पाए के सहाबी हैं इब्तिदाए इस्लाम जब मक्की जोर था उसी वक्त अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम पे इस्लाम कबूल किया वह सब कुछ सहा जो हर सहाबी ने इसके लिए इस्लाम के लिए उस दौर में सहा है मसायब आलाम टूट पड़े अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हबश हिजरत कर जाओ हबशा की तरफ हिजरत की फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मदीना हिजरत कर जाओ मदीने की तरफ हिजरत की अल्लाह के रसूल वसल्लम मदीने की हिजरत के बाद एक मरतबा अब्दुल्ला बिन हजाफ़ा को बुलाते हैं एक ग्रोह का एक जमात का अमीर बनाते हैं और कहते हैं सब के सब लोगों के लिए कि लोगों अब्दुल्ला बिन खजाफ़ा के हुक्म की तामील करना उनके किसी हुक्म का इनकार नहीं करना यह कह के भेज देते हैं बुखारी की रिवायत के मुताबिक इस वाक्य में बड़ी नसीहतें हैं गौर से सुन लीजिए इतफाक़न ये होता है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अपनी जमात को लेकर निकलते हैं एक जगह पड़ाव करते हैं बात बात में अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा जरा गुस्सा हो जाते हैं अपने साथियों से पूछते हैं कि क्या तुमको अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म नहीं दिया कि जो कुछ मैं कहूँ उसकी हुक्म की तामील करना साहबा बयान करते हैं कि हाँ आपने हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया था हमने सुना था तो कहते हैं कि लकड़ियां जमा करो लोग लकड़ियां जमा करते हैं कहते हैं कि आग लगाओ आग लगाते हैं जब लकड़ियों का ईंधन बन जाता है आग भड़कने लगती है तो अपने साथियों को हुक्म देते हैं कि मैं हुक्म देता हूं कि इस आग में कूद जाओ अल्लाह अकबर। साहबा इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने खुसूसी हुक्म दिया था जाते वक्त अब्दुल्ला बिन हुजाफा के किसी बात को ना टालना इनके हुक्म की तामील करना ये अमीर हैं तुम्हारे लिए तो उन्होंने ये किया कि लकड़ियां जमा की आग जब भड़कने लगी हुक्म दिया कि आग में कूद जाओ सहाबा तैयार हो गए वो तो अपने नबी के फरमान के परवाने थे कूदने के लिए तैयार हो गए लेकिन जब नज़दीक पहुँचे तो एक सहाबी ने दूसरे सहाबी से यूं देख के कहा हम तो आग से बचने के लिए ही तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस्लाम कबूल किए थे अब ये हुक्म दे रहे हैं कि फिर आग ही में चले जाओ ये कैसे हो सकता है हम तो जहन्नम की आग से बचने के लिए ही तो आए हैं अब यहां हुक्म ही उल्टा आग ही में जाने का है तो कहते हैं कि बात में बात निकली बात में बात निकली तो सहाबा आपस में उस मामले में बातचीत करने लगे यहां तक कि उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया और आग भी ठंडी हो गई फिर इसके बाद जिस काम के लिए गए थे वही काम अंजाम देकर वापस पलटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इतला दी के दौरान सफर ऐसा हुआ था कि अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला बिन हुजाफा ने हुक्म दिया कि आग में कूद जाने का अल्लाह के रसूल ने कहा अकबर अब समझ लीजिए असल में हुक्म किसका होता है अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अगर तुम उस हुक्म के लिए आग में कूद जाते तो फिर कभी जिंदगी में ना निकलते यानी जहनम पहुंच जाते अगर तुम उनके हुक्म पर आग में कूद जाते तो फिर तुम कभी इसमें से ना निकलते जहन्नम पहुंच जाते याद रखो अमीर की इतात उसी वक्त वाजिब और जायज है जबकि अल्लाह के हुक्म के ताबे हो कितना बड़ा उसूल समझा दिया अल्लाह के रसूल वसल्लम ने किसी इमाम का किसी भी फेल का कोई भी आने वाला उम्मती हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए जायज नहीं कि आप अंदादुल आंख बंद करके उसके हुक्म की तामील करें अरे ये तो बाद में आने वाले इमाम हैं जिनके कौल को लेकर हम कहते हैं कि नबी के कौल को ठुकरा देंगे अल्लाह के रसूल ने जिसको इशारा करके बताया था कि इसकी तामील करना और इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करना यह कहने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर तुम इसकी बात मान लेते तो जहन्नम चले जाते आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने पीरों के मुकाबले में अपने इमामों के मुकाबले में अपने मनपसंद अशखाज के मुकाबले में अपने जमात के लोगों के मुकाबले में अपने पार्टियों के मुकाबले में कहते हैं कि हम इनकी बात मानेंगे अरे जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने हाथ का इशारा बता के कहा था कि इनकी बात तुम्हें माननी ही माननी है अगर वो भी शरीय की मुखालिफ कोई बात होती तो अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर मानते तो तुम जहन्नम पहुंच जाते कहा अब्दुल्ला बिन खुजाफा का मरतबा कहां बाद में आने वाले उम्मतियों का तबैन का मर्तबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में किसी और की बात नहीं चलती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुकाबले में किसी और की शरीयत नहीं चलती ला तो मखलूक इन फी मासी खालिख का उसूल अल्लाह के रसूल ने पूरी उम्मत के लिए दे दिया कि लोगो देखो खालिक की नाफरमानी में अल्लाह तबारो व तआला की मासीत में किसी भी शख्स किसी भी मखलूक की इताअत जायज नहीं कहा तुम्हारे माँ बाप क्यों ना हो तुम्हारे इमाम क्यों ना हो तुम्हारे कबाइल के बड़े क्यों ना हो तुम्हारे जमातों के बड़े ना हो किसी की इता है लोग पूछते माँ का साहब झुके दिया है? वही अल्लाह तबारा को वाला ने सिखाया है जहां अदब सिखाया है वही कह दिया कि अगर ये मेरे खिलाफ कहेंगे तो तुम ना मानना वह इन जहादा का अलाश्री कभी माल कभी फला तो उन दोनों की ना फरमानी करना अगर वो शर्क पे तुम्हारा हुक्म करे सुरान की आयत में फरमाया फला तो कौन सा कुरान वही कुरान जो कहता है अपने हक के बाद माँ बाप का हक वह गबू का अल्लाबुदू अल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह की इताअत की जाए पूरी कायनात के अंदर उसी एक को पूजा जाए उसी की तौहीद बयान की जाए और लोगों याद रखो ये फैसला भी कयामत तक के लिए अल्लाह ने कर दिया है कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करना जहां हुस्न सलूक का मामला हुस्न सलूक का मामला है जहां नाफरमानी आएगी अल्लाह तबारक तआला की वहां माँ बाप भी नहीं चलते हम कहेंगे कि नहीं मानेंगे बात को फला तो कोई मां कहती है कि दरगाह को जाओ कहेंगे नहीं मानेंगे हम बात को आपकी इतात इतात है वो करेंगी हुसन सलूक करेंगे लेकिन शिरक की किसी बात को ना मानेंगे कोई मां कहती है कि नमाज मत पढ़ो कहेंगे कि नहीं आपकी इतात यहां नहीं चलेगी इतात मारूफ में चलेगी मुनकर में किसी की इतात जायज नहीं बुखारी वो मुस्लिम की रिवायत है जो मैं बयान कर रहा हूं अहकाम के अंदर बाबू सत्ता इस बाप के तहत इमाम बुखारी ने यह हदीस लाए हैं अब्दुल्ला बिन हुजाफा की आगे चलिए छह हिजरी का वाक्य अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की मक्के वालों से सुलह की जब इतमान हो गया मदीना वापस पलटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया कहा कि अब तक का जो काम था वो तो अंदरून मुल्क रहा है लेकिन अब अल्लाह ने इतमान दिया है तो मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े बादशाह जो अजम के हैं अब तक तो दावत इस्लामी अरब के अंदर फैल रही थी अल्लाह के रसूल ने कहा छः हिजरी के बाद मैं दावत को फैलाना चाहता हूँ अब अजम के जो बादशाह हैं यानी दूसरे ममालिक के, एशिया के यूरोप के इन बादशाहों के पास मैं पैगाम भेजना चाहता हूँ खतूत भेजना चाहता हूँ कौन बहादुर है जो निकले इसके लिए मुहिम बड़ी खतरनाक है याद रख लीजिए कोई मामूली मुहिम नहीं है ये एक तो क्या है अजनबी मुल्क में जाना अजनबी जबान अजनबी माशरत अजनबी तहसीब किसी के बारे में कुछ पता नहीं नंबर दो कोई तोहफा लेके बादशाह को मनाने के लिए नहीं जा रही बल्कि जाके कह रहे हैं कि बादशाह अपना दीन बदल डालो मामूली बात है ये कोई मिनिस्टर के पास खसूसी तौर पर बुलावे के तौर पर भी पहली मरतबा जाएगा तो ख़तम नीचे से डगमंगे उसके ऑफिस में पहुँच गया था आम इंसानों की तो क्या है इंटरव्यू में डगमगा जाते हैं कोई कभी इंटरव्यू का किसी को इतफाक़ हुआ है तो मालूम हुआ होगा पहली मरतबा जाते हैं ना चाय का कप पकड़ा देंगे तो पूरे ऊपर ही गिरा लेंगे उतना हाथ हजर रहा होता है ये तो क्या आम किसी के सामने जाने का मामला यहाँ तो मामला बड़ा ऊंचा था अजनबी मुल्क अजनबी जबान अजनबी तहजीब अजनबी रास्ता फिर पहुंचो तब तो सीधे बादशाह के पास और वहां जाके क्या करना है बादशाह को कहना है कि भाई तेरा मजहब गया अब मेरा मजहब मान मामूली बात है गोया अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बहादुर सहाबा का इंतखाब किया है बड़े बड़े बादशाहों को भेजने के लिए ये बड़ी तफसील है लेकिन यहां सहाबी की जिंदगी से जो मामला मुतल है वो मैं बयान करूंगा अब्दुल्ला बिन खजाफा के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत दिया किसरा के तरफ जाने के लिए किसरा कौन था ईरान का बादशाह ईरान के बादशाह पे जो भी मुस्तद पे बैठता जो भी बादशाह बनता उसका लकब किसरा था रूम के तख्त पे जो भी बैठता उसका लकब खैसर था ये लकब है नाम नहीं है अल्लाह के रसूल ने जिसके लिए लेटर दे के भेजा था उसका नाम है परवेज परवेज उसका नाम है ईरान का फारसी उन फारसी जबान फारस का रहने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा उसके लिए के मिन मोहम्मद इला किसरा देखिए ना अल्लाह के रसूल का अंदाज कैसे था कहा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से किसरा की तरफ ये लेटर लिखा कहा के लोगों देख अगर तू इस्लाम कबूल कर लेगा जिस बादशाही पे तू तो पहले से है हम भी उसी को मुकर्रर करेंगे तेरे लिए अगर इनकार करेगा तो तेरा वबाल और तेरे पूरे रियाया का वबाल तुझे ही पर होगा दोहरा अजाब होगा तेरे लिए क्योंकि तू बादशाह है असलिम तस्लम ये लिखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हुजाफा के लिए दे दिया कि जाओ जाके किसरा के सामने पेश करो इस लेटर को अब देखिए बिल्कुल मामूली सहाबी सहरा नशीन कुछ अता पता नहीं जबान का न तहजीब का न तमद्दन का ना शाहाना उठक बैठक का दरबार के अपने आदाब होते हैं जाते हैं तो झुक झुक के सलाम करना आप भी देखे होंगे मुग़ल आजम वगैरह में मैंने देखा हूं भाई गलत समझ जाओ ना को मैं बोलता हूं तो वो जो झुकझुक के सलाम करने का अंदाज़ पीठ नहीं दिखानी है सीधे ऐसे ही चल के निकल जाना है दरबार से उसके अपने एक आदाब होते हैं और सल्तनत किसरा तो क्या है मामूली नहीं है सदियों की पुरानी सल्तनत है बड़ी कदीम सल्तनत है बहुत कदीम सल्तनत बड़ा ही जाहो जलाल रखने वाली सल्तनत आज के हैसियत से समझना चाहेंगे तो अमेरिका का जिस तरह पावर है इसी तरह उस दौर में किसरा का पावर था है ना जी जिसे चाहे रात ही रात उड़ा देता ना वो उसके लिए कोई वसूली नहीं सब उस हमारे लिए हैं उसके लिए कभी कहाँ है वो ईरान पर भी हमला करेगा कभी इराक पर भी करेगा कभी फ़लस्तीन के इन से इन बजा देगा अकवा मुतहदा कुछ नहीं बोलती यू एन ओ उसी की क्या है सगी बहन है वो हमेशा थपक थपक के कहती है कि बहुत अच्छा करते हो मुसलमान कुछ भी कर लेंगे तो फौरी तौर पर सवाल हो जाता जो चाहे कर सकता है वो बे वही मामला था किसरा का भी पूरी सल्तनत पर हर एक को ग़ुलाम समझता था और बे ही अरब तो उसके गुलाम ही थे ऐसी हालत में अब निकल रहे हैं अब्दुल्ला बिन हुजाफा मामूली कपड़े पहने हुए तलवार ऐसी के मैन नहीं है रखने के लिए वो मैन नहीं है इस वजह से क्या करते हैं चिंदी वगैरह जो हैं कपड़े उसको लपेट के रखे हुए हैं एक घोड़े में सवार निकलते हैं और राह पर राह दिन पर दिन सफ़र करते हुए अट जाते हैं गुबार में और पहुंचते हैं दरबार में कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल की जानब से पैगाम लेके आया हूँ तो सिपाही ऊपर नीचे देखता है यह क्या पागल तो थोड़ा है अजीब बात कहता है आके के अपने रसूल से अपने बादशाह से मिलूंगा और रसूल का पैगाम लाया है लिहाजा सफ़ीर होता है अब सोचता है कि जो पैगाम लाया है हम तो बादशाह तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है तो इतला देता है कि एक शख्स आया हुआ है कहता है कि अपने रसूल का पैगाम लाया है इसरा कहता है कि दरबार को सजाओ दरबार सज जाता है सच धज के जब पूरे अपने करफर के साथ अपनी सीट पे तख्त अफरोज होता है और लोग भी क्या हैं बिल्कुल क़तार बांधे हुए खड़े हो जाते हैं उनके लिबास ज़रख बरख़ उनकी तलवारें ऐसी चमकती हुई उनके म्यान बहुत ही बुलंद उनके कपड़े बड़े ही आला व अरफा सफ़ीद उबाएँ पहने हुए सब के सब खड़े हुए हैं जब ये दरबार में दाखिल होते हैं यूं लगते हैं बिल्कुल घटे हुए जिसम के काले कलोटे और फटी हुई चादर और उसके साथ एक तलवार तलवार भी क्या है नियाम के बगैर अंदर दाखिल होते हैं तो हंसी निकल जाती है दरबारियों की ये क्या मामला एक कौन आ रहा है और आगे बढ़ के एक को इशारा करता है किसरा एक को इशारा करता है कि उसके हाथ से खत छीनो वो छीनने लगता है तो अब्दुल्ला बिन हुजाफा कहते हैं ओ बदबख्त अल्लाह के रसूल ने हुम दिया है कि बराह रात किसरा खत दो नहीं दे सकता मैं तुझे दे नहीं सकता अल्लाह के रसूल का हुक्म कभी मैं मान नहीं सकता अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम के हुम के कभी मैं अदुल नहीं कर सकता तो किसरा कहता है कि खैर जाने दो अंदर आने दो उन्हें वो करीब आ जाते हैं मुतरजम से कहता है कि खत लेके पड़ो मुतरजिम खत लेके पढ़ना शुरू करता है अभी सिर्फ इस इबारत पे नजर होती है कि मिन मोहम्मद रसूल अल्लाह के रसूल की जानिब से किसरा के नाम बदबक तख से उठता है उगए उगए उगज़ उगज़ में। आगे बढ़ता है खत को छीनता है टुकड़े टुकड़े पुरजे पुरजे करके फेंक देता है उसके बाद कहता है कि इस गुलाम को कैसे जरात हुई कि उसने अपना नाम मेरे नाम से पहले लिखा है बत को पता नहीं है किसके तरफ से आया है यह खत कहता है इसको कैसे ये ज़रात हुई यानी अरबों को तो वो गुलाम समझता है वो कहता है कि मेरे गुलाम को ये कैसी जरात हुई कि वो मेरे नाम से पहले अपना नाम लिखा है अमूमन बादशाहों के लिए खतूत कैसे लिखा जाता पहले बादशाह का नाम आता फिर उसके बाद लिखने वाला अपना नाम लिखता ये उसूल होता है अल्लाह के रसूल अपना नाम पहले लिखे उसके बाद बादशाह का नाम लिखे तो वो बदबक उठा और अल्लाह के रसूल के नामा या मुबारक को चाक कर दिया टुकड़े टुकड़े कर दिया और फेंक दिया कहा कि कैसी जरात हुई इस गुलाम को कि वो नाम मेरे नाम से पहले लिखे फिर गुस्से में कहता है कि इसको दरबार से बाहर कर दो अब्दुल्ला बिन फजाफा को ढकेलते हुए लोग बाहर ले जाते हैं जैसे ही दरबार से बाहर निकलते हैं तो अब्दुल्ला बिन हजाफा अपने आप में कहते हैं खुदा की कसम मेरा फरीजा तो यह था कि मैं पैगाम को पहुंचा दूँ किसरा के हाथ में मैंने पैगाम को पहुंचा दिया अब मुझे कोई डर नहीं है किसी बात की फिक्र नहीं है कि लोग मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालें या मुझे छोड़ दें या मुझे जेल में भेज दें यह कह के वो आगे बढ़ते हैं अपने घोड़े पे सवार होते हैं और बर्फ रफ्तारी के साथ उस मुल्क से निकल जाते हैं गुस्सा ठंडा होता है इसका

इसी का गवर्नर रहता है वहां पर इसी के मातहत होता है यमन के गवर्नर को खत लिखता है बाजान नाम का बाजान गवर्नर का नाम है खत लिखता है कि फौरी तौर पर दो अशास को भेजो मक्के में और पूछो कि कौन है वो नबी और उस नबी को पाबा जंजीर अल्लाह अकबर नरोजबिल्लाजिल्ला बदबक कहता है कि जाओ इनको रस्सियों या जंजीरों से बांध के मेरे हुजूर पेश करो कौन कहता है वो नबी बाजान के पास जब यह लेटर पहुंचता है बाजान जो कवि लोगों को जंगजू और बड़े माहिर कवि हैकल इन लोगों को पैगाम दे के भेजता है कि बादशाह का हुक्म है कि उस नबी को ढूंढो और गिरफ्तार करके बादशाह के हुजूर पेश करो अभी ये लोग ढूंढते हुए मक्का पहुंचते हैं तो लोगों को बताया जाता है लोग इनको बताते हैं मक्के में नहीं है हिजरत करके मदीना चले गए हैं फिर वो वहाँ से निकलते हैं मदीना पहुँचते हैं ढूंढते ढूंढते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाते हैं ये दो लोग किसके किसरा के किस फ़ौज के लोग कहते हैं कि हमारे बादशाह ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है ये बचकाना बातें अल्लाह के रसूल यूँ देखते हैं ऊपर नीचे उसको कहते हैं कि अच्छा एक काम करो कल आना मेरे पास मैं बताऊंगा क्या करना है तुम्हें आज तो जाओ थके मदे हो आराम कर लो कल मेरे पास आना अब ये दोनों वापस पलट जाते हैं रात गुजारते हैं दूसरे दिन आते हैं लह के रसूल अलैहि वसल्लम के पास जब आमना सामना होता है फिर वही बात दोहराते हैं कि हमारे बादशाह ने हुक्म दिया है कि आपको गिरफ्तार करना है अल्लाह के रसूल पूछते हैं कौन बादशाह कौन है बादशाह वो कहते हैं कि किसरा ने हुक्म दिया है अच्छा मैं बताऊं अब किसरा कहां है? कहते हैं कि कहाँ है? अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कल ही रात उसके बेटे ने उसके निगाहों के अंदर सलाखें चुबवा कर उसको मार भी दिया है अब किसरा का वजूद भी नहीं है किसरा को तुम वापस पलट के कभी देख भी नहीं सकते अब वो तो उसी के बेटे ने उसको आंखों में सलाखें चुबा कर मार चुका है और उसका बेटा अब काबिज है अगर तुम्हें मालूम करना हो तो जाओ जाके वापस जाके देख लो वो मुंह पे हाथ रख लेते हैं कहते हैं कि हमारे बादशाह के खिलाफ ऐसी बातें करते हो पता नहीं है क्या हुकूमत है उसकी क्या कुत है क्या सल्तनत है कहते हैं कि सब मालूम पहले जाके हक, हक, हकीक कर लो खबर की फिर बाद में मेरे पास आना अब ये तो देखते हैं कि मामला बिल्कुल अजीब है इस नबी का ऐसी शाहाना बातें कर रहा है और हमारे बादशाह के बारे में कह दिया कि वो तो कत्ल हो चुका और उसका बेटा ही उसको कत्ल कर दिया है वो वापस लौट जाते हैं और इसमें एक बात जहन में रखिए जब ये लोग आते हैं ना किसरा के लोग ये दाढ़ी नहीं रखते थे उस जमाने भी शेविंग का रिवाज था हाँ उम्मत महम्मदिया के लिए लम्हे फिक्रिया है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें देखा गुस्से से मुंह फेर लिया कहा कि तुमने ये चेहरे की क्या हालत बना रखी है कहा कि हमारे रब ने हमें यही हुक्म दिया है क्या कहा उसने उन सिपाहियों ने कहा कि हमारे रब ने यानी बादशाह ने हमें यही हुक्म दिया है कि हम क्या है दाढ़ी को मड़वाएँ अल्लाह के रसूल ने कहा कि खुदा की कसम मेरे रब ने यह हुक्म नहीं दिया मेरे रब ने यह हुक्म नहीं दिया मेरे रब ने यह हुक्म नहीं दिया अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने जिन चेहरों को देखना भी गवारा नहीं किया उन्हीं चेहरों को हम तज़ी व आरइश के साथ रखते हुए उम्म मुहम्मदिया का दावा करते हैं हशर के मैदान में हमें देखना गवारा करेंगे अल्लाह के रसूल जो दाड़ियाँ नहीं रखते हैं जरा गौर करके देखिए, जिन चेहरों को अल्लाह के रसूल सल्हु वसम ने बग़ैर दाढ़ी के देखना गवारा नहीं किया है वैसे चेहरे से मर जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौसे कौसर में बुला के अपने हाथ से कौसर का जाम आपको नोश करने देंगे उस वक्त देखना गवारा कर लेंगे सुन्नत रसूल को जो नालियों में रोस डालता है फेंकता है उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौसे कौसर का पानी देंगे अपने हाथ से जरा तस्वूर करके देखिए अल्लाह के रसूल इतनी कराहत किए हैं दाढ़ी के बगैर चेहरे को ये तो दरअसल मर्दों का तुर्र इम्तियाज है अल्लाह तबारक तआला ने औरतों को नहीं दी फजीलत है अर-रिजाल ये बदबख्ती नहीं तो क्या है कि आप औरत बनना चाहती हैं आप लोग औरत बनना चाहते हैं दरअसल ये दरअसल अल्लाह तबारक तआला ने मर्द की निशानी के तौर पर रखा है इसको अगर आप मुंडवाएंगे ये दरअसल क्या है औरत बनने की ख्वाहिश है पता है अल्लाह के रसूल ने कहा कि लानत है उस पर जो मर्द हो के औरत बनता है लानत है उस पर जो औरत हो के मर्द बनता है दोनों पे लानत है आज वही काम हो रहा है मर्द औरत बनने की कोशिश औरतें मर्द बनने की कोशिश माशा उनके लिबास चाल ढाल देखिए ना पीछे से देखेंगे तो मुश्किल हो जाती है कि क्या करें ये मर्द है या औरत जब तक करीब आके सामने नहीं देखते मुश्किल हो जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है क्या करेंगे औरतें भी क्या करें बेचारिया मर्दों को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है दाड़ी वाले सब जो होते हैं ना उन्हीं से पर्दा होता है औरतें तो तो भी नहीं करने वाले भी वो साड़ी का पल्लू लेके सामिकम मो साहब बोलते हैं शायद उनको मौलवी एक ही तो मर्द लगता कि और दूसरा किसी के चेहरे पर दाढ़ी इतनी ना उन्होंने क्या करेंगे पहचानने में मुश्किल हो जाती है उनको भी अजीब मामला है हमारा कैसे कैसे हालात बदल गए देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको लौटा देते हैं ये वापस पलटते हैं बाजान के पास यमन के हाकिम कहते हैं कि अब तो अजीब मामला हुआ हम गिरफ्तार के लिए गए एक दिन के रुकने के लिए कहा था उस नबी ने फिर दूसरे दिन कहा कि तुम्हारे बादशाह को तुम्हारे बादशाह का बेटा ही ने कत्ल कर दिया है अब्बाजान बड़ा फितरत बंदा था उसने कहा कि देखो नबी की बातें हो सकता है हमको इंतज़ार करना है अगर हम इंतज़ार के बाद बिल्कुल बात सही है मेरे पास न्यूज़ पहुंच गई तो फिर तो वह नबी है अगर नहीं है इसके मुखालिफ बात पहुंची तो देखो मैं कितना बड़ा लश्कर लेके उसको रोन देता ये कह के कुछ दिन इंतजार करने लगता है तो बहुत जल्द किसरा की तरफ से लेटर आता है अपने बेटे का जिसने किसरा को कतल किया था लिखता है बाजान को तुम्हारे बादशाह को मैंने खुद कतल कर दिया क्योंकि उसकी मनमानिया बहुत ज्यादा हो चुकी थी आज से मेरी इताअत तुम पे वाजिब है और देखो याद रखो जिस नबी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे बाप ने कहा था उसको ना छेड़ना अल्लाह अकबर कैसे इंतजाम ऊपर से होते हैं देखिए है। वो खसूसी तौर पर लिखता है कहता है कि देखो जिस नबी को गिरफ्तार करने का मेरे बाप ने हुक्म दिया था उसको ना छेड़ना जैसे ही ये लेटर पहुंचता है बाजान इस लेटर में तो गुम नहीं होता उठा के फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है कहता है कि चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके ईमान लाएंगे पूरा यमन मुसलमान होता है अब आगे चलिए फिर अब्दुल्ला बिन हुजाफे के वाकिए में क्योंकि हमें उनकी सीरत पढ़नी है फिर अरसा गुजरता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की वफात हो जाती है अबू बकर सर खिलाफत होते हैं फिर इसके बाद हजरत उमर होते हैं हजरत उमर के दौर खिलाफत में दो बदो रूम से जंगें शुरू हो जाती हैं मैंने जो बता रहा था वाकिया ये ईरान की जंगों का है ईरान का बादशाह किसरा है नाम के लिहाज से उस वक्त परवेश था। और इसी तरह रूम का बादशाह लकब के एतबार से कैसर है लेकिन उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम है हिराकुल वही जो साइकिलों में भी लिखते हुए आप देखेंगे हिरकुलस उसको तब्दील कर असल नाम तो हिराकुल है हिराकुल वो बादशाह है जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के दौर में रूम का बादशाह था तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इसके लिए भी खत भेजा फिर इसके बाद एक तवील जंगें शुरू हो गई हजरत उमर के दौर में तो बहुत सी जंगे हो रही थी और अल्लाह तबारक वाली ने मुसलमानों को बड़ी फतह दी थी अब्दुल्ला बिन हुजाफा खुद कहते हैं अपने बारे में एक लश्कर लेके मैं निकला एक लश्कर लेके मैं निकला और एक जगह पड़ाव किया तो हुआ ये कि हिर के बाद लश्करी हमें देख लिए और हम गिरफ्तार कर लिया तैदाद में कलील थे अब उन्होंने क्या किया गिरफ्तार हो गए सीधे लेके वो हिरकुल के दरबार में पहुंचे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को जब मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अल्लाह के रसूल के सहाबियों में भी पहले दौर के मक्के में इस्लाम कबूल करने वालों में से हैं तो हिरकुल बड़ा ही चौकन्ना हो गया सबसे पहले बड़ा करीब आया बुलाया कहा कि देखो मैं तुम्हें एक बात पेश करता हूँ दुल्ला बिन हुजाफा ने पूछा कि क्या बात पेश करते हो कहा कि तुम ईसाइयत इख्तियार कर लो तुम ईसाइयत इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हें सबसे पहले इस ग़ुलामी से भी आज आज़ाद कर देता हूँ तुम आज़ाद हो जाओगे नंबर दो सिर्फ़ आज़ाद ही नहीं करता बल्कि इनाम और इकराम के तुम्हें भेजूंगा वो जवाब देते हैं कि ओ तुमने ईमान की बड़ी कम कीमत लगाई है मेरी क्या तुम समझते हो कि इन नमात और इस आजादी के बदले में मैं अपने मजहब को बेच दूंगा खुदा की कसम जान चली जाए लेकिन मैं इस्लाम को तर्क करने वाला नहीं हूं उसने सोचा कि मैंने कम पेशकश कर दी है होते हैं ना जी बाज दस रुपये दे को काम करो बोलो नहीं भाई नहीं मैं नको भाई पचास रुपये देखो अच्छा भाई अच्छा भाई उन्होंने कीमत अपनी पचास रुपये रखें दस रुपये में होता नहीं काम पचास रुपये में छूँगा बहुत से लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना वो अपनी अपनी कीमतें लगा देते हैं उसने भी अब्दुल्ला बिन फाफ़ा के बारे में ऐसे ही सोचा था कि उसने कहा कि अच्छा ऐसे करते हैं कि मैं तुम्हें वजीर बना लेता सल्तनत में शामिल कर लेता हूँ तुम आधे मुल्क के मैं आधे मुल्क का इस तरह की वजारत मैं तुम्हें दे देता हूं तुम ईसाई कबूल कर लो उन्होंने कहा कि बादशाह, तुमने मुझे नहीं समझा है खुदा की कसम याद रखो अगर तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे और फिर कहोगे कि इस्लाम को छोड़ दो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं अब तो वो यूं करता है खसूसी तौर पर बड़े बड़े सजाओं के लिए हिरकुल के दरबार में गाय जैसे पेट के अंदर एक बहुत बड़ी हंडिया होती है और उस हंडिया के अंदर गरम-गरम जैतून का तेल हमेशा खवलता रहता है ये बड़े बड़े मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं देने के लिए कभी कभार इस तेल को जबरदस्त खौला कर इसके अंदर उसको डाल के इस तरह तल देते हैं जिस तरह हम मछली तलते हैं ये बड़ी सजा होती है हिरकुल के दरबार के अंदर वो उस हंडिया को बता के कहता है कि अगर तुम कबूल ना करोगे तो याद रखो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं करूंगा बल्कि इस खबलते हुए तेल में डाल के तुम्हारा पुरजा पुरजा कर दूंगा कहते हैं कि मुझे मंजूर है मैं कोई डरने वाला नहीं हूं जो चाहे तुम करो मैं इस्लाम को तर्क करने वाला नहीं हूं अच्छा अब देखिए कौल को और साबित करने के लिए सबसे पहले हुक्म देता है सिपाहियों को बिठा के तुम तीर चलाओ इस पर लेकिन तीर ऐसे चलाना कि इनके जिस्म को मस करते हुए जाना लेकिन लगना नहीं यानी डराने दहशत बिठाने के लिए कहता है सिपाहियों को खड़ा करके कि अब तुम तीर चलाओ इन पर तीर लेकिन ऐसे मस होते हुए जाना लेकिन कोई तीर इनको लगना नहीं है अब सिपाही तीर चलाते हैं कुछ जख्मी भी हो जाते हैं ये फिर इसके बाद कहता है कि अब भी ईसाइत कबूल नहीं करोगे कहते हैं कि नहीं मैं कबूल करूंगा फिर कहता है कि सिपाहियों को तीर चलाओ पैर के पास लेकिन पैर को नहीं लगना पैर के नीचे ज़मीन में लग जाना फिर सिपाही तीर चलाते हैं जब तीर पैवस्त हो जाते हैं फिर कहता है कि अब भी ईसाइत कबूल नहीं करोगे कहते हैं कि नहीं तो अब कहता है कि अच्छा हमारे खैर खाने से दो कैदियों को बुला कर लाओ जो मुसलमान पहले से पकड़े हुए रखे होते हैं उनमें से दो को बुला कर लाओ दो कैदी मुसलमान बुलाए जाते हैं वो खवलता हुआ जैतून का तेल उस हंडिया के अंदर जो गाय के पेट की शक्ल का होता है हुक्म देता है कि इन दोनों को डालो जब अच्छी तरह गर्म हो जाता है तो उन दोनों को डाल दिया जाता है अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा देख रहे हैं जैसे ही उनको डाला जाता है बिल्कुल करख्त हो के चमड़ा जल के ऐसे हो जाते हैं गोया हम किसी चीज को तलते हैं तो क्या हालत होती है वही हालत उन दोनों की हो जाती है बिन हजाफा देख रहे हैं फिर इनको उठा के फेंक के तेल में से कहता है कि ईसाइत कबूल कर लो वरना यही अंजाम तुम्हारा भी होगा कहते हैं कि मंजूर है मुझे कोई डर नहीं है मैं इस्लाम को तर्क करने वाला नहीं अल्लाह अकबर कैसे कैसे हैं देखिए हीद के लिए कैसे उन्होंने जाने निछावर की हैं देखिए अब देखिए इससे बड़ा इससे बड़ा इससे वाला वाला। अगर इंसान सही तौर पर समझ जाए तो याद रख लीजिए हमारे अंदर भी ईमान का जज्बा पैदा हो जाएफा के लिए कहता है कि जाओ अब तेल में डाल दो खचीट के ले जाओ इसको अब, अब अब्दुल्ला बिन खुजाफा को जब लेके जाता है सिपाही करीब पहुंचता है तो पलट के देखता है कि अब्दुल्ला बिन खजाफा रो रहे हैं रोक देता है अपना हाथ समझता है कि आहा करीब आते ही माल बदल गया मामला अब ये रो रहे हैं मौत का डर तारी हो गया वापस हाथ पकड़ के लेके आता है बादशाह के पास कहता है कि बादशाह रो रहे हैं खुश हो के बादशाह कहता है पता है मुझे पता है मैंने कहा था ना तुम नहीं संभाल सकते आ जाओ ईसाई कबूल कर लो मैं तुम्हें सबसे मज्जत रखूंगा अब्दुल्ला बिन लाफ़ा कहते हैं कि खुदा की कसम ए बदशाह तुमने जो सोचा है इसकी वजह से मैंने नहीं रोया है फिर तो परेशान हो के पूछता है क्यों रोये हो कहते हैं कि खुदा की कसम जब तुम मुझे कचीट के लेके जा रहे थे तो मैं तो ये सोच के रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक जान दी है और वो एक जान अब मैं कुर्बान कर दूंगा तो फिर मेरे पास कोई और जान नहीं रहेगी मैं तो ये सोच के रो रहा था कि अगर अल्लाह तबारा को वाला मुझे हजार जानें देते और मैं हर मतबा इस तेल में कूद के अल्लाह के लिए जान दे देता मैं ये सोच के रो रहा था कि मेरे पास सिर्फ एक जान है और एक जान मैं कुर्बान कर दूंगा फिर अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए मेरे पास कोई और जान नहीं होगी बादशाह इसी वजह से रोना आया था वरना मैं तो सोच रहा था कि हजार जाने हो हर मरतबा तू मुझे तेल में डाल और मैं हर मरतबा अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दू दिल से बात निकलती है बादशाह के नजर में इतनी बुलंद होती है बात तो पर जमने वाले जब अपने दिल की गहराइयों से कहा करते हैं याद रख लीजिए अखबार ने कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत ही नहीं कहा था पूरे बुलंद बात होती है इतनी बुलंद बात होती है वो तेल में डालना तो बहुत दूर की बात इतने इज्जत एहतराम दब आता है कहता है अब अब एक दरख्वास्त है तुम आगे बढ़ के मेरे पेशानी पे तुम बोसा दे दो बस छोड़ दूंगा कहा पहुंचा दिया बादशाह तरस रहा है एक अहले तो से कि तू आगे बढ़ मुझे एक पेशानी पे प्यार कर दे बस अब्दुल्ला बिन हुजाफा कहते हैं कि बादशाह ये भी नहीं हो सकता एक तो मतवाला एक शिर पैरोकार को प्यार नहीं कर सकता हम कितना प्यार करते हैं अपने गैर मुस्लिम लोगों से हा हा पूरी दुश्मनियां तो मुसलमानों से निकालते हैं हिंदू मुस्लिम भाई 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 बोल के सब पूरे काम करते हैं बड़े खुश हो जाते हैं पूरी मोहब्बतें लुटाते हैं हमारे अंदर क्या है शिर्क की कोई नहूसत बाकी ही नहीं है अब्दुल्ला बिन खजाफा कहते हैं एक तौहीद का मतवाला शिर्क के परस्तार को प्यार नहीं कर सकता कहते हैं कि जो चाहे ले ले मेरी सल्तनत में से जो चाहे ले ले मुझे एक प्यार कर अब्दुल्ला बिन हुजाफा कहते हैं कि नहीं बगैर प्यार के छोड़ना है तो मुझे छोड़ मैं तुझे प्यार करने वाला नहीं अल्लाह अकबर बादशाह एक प्यार के लिए तरस रहा है अब्दुल्ला बिन खजाफा इनकार कर रहे आखिर में कहता है बादशाह चलो मेरी सल्तनत के अंदर कैद खानों में जितने मुसलमान कैद हैं मैं सबको रिहा कर देता हूं मुझे एक प्यार करते हाँ इस तवीद का मतवाला अपने तोहहीद के लोगों को छुड़ाने के लिए बात को मान गया कहते हैं अब्दुल्ला बिन हजाफा हाँ ये बात हो सकती है अगर जितने कैद खाने में पड़े हुए जितने मुसलमान हैं सब मुसलमानों को अगर तू छोड़ने का वादा करता है तो मैं तेरे लिए प्यार करता हूं तो वादा करता है आगे बढ़ते हैं प्यार करते हैं जितने कैदी साथ में थे, सब सबको रिहा कर देता है हेरकुल सब कैदियों को साथ लेकर खुश खुर्रम वापस पलटते हैं मदीना पहुंचते हैं अमीर हजरत उमर अन की खिदमत में वाकया सुनाते हैं हजरत उमर इतने खुश होते हैं इतने खुश होते हैं कि मिंबर सजाते हैं लोगों को दावत देते हैं लोगों सब के सब आओ सब मस्जिद मबी में जमा हो जाते हैं अब्दुल्ला बिन खजाफा को मिंबर पे बिठाते हैं कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन खजाफा तुम सुनाओ अपने साथ क्या पेश आया था सब सुनाते हैं जब आखिरी में कहते हैं कि मैं प्यार से भी इनकार कर दिया और मैंने फिर प्यार किया सिर्फ और सिर्फ असहा रसूल को छुड़ाने के लिए तो हजरत उमर बेसाख्ता उठ के कहते हैं कि अब मुझ पर वाजिब हो गया है कि मैं सबसे पहले अब्दुल्ला बिन हजाफा के पेशानी पे प्यार कर और तुम तमाम के लिए वाजिब है कि एक एक उठे और अब्दुल्ला बिन हजाफा की पेशानी पे प्यार करें फिर उम्र आगे बढ़ के सबसे पहले प्यार करते हैं फिर तो सहाबा एक एक करके उन्हें मुबारकबाद देते हैं ये साहब ये जलील हैं जो आगे चल के बीस हिजरी के अंदर वफात पाई थी इनके अंदर ये वाक़ियात जो बड़े अहम हैं आप लोगों के सामने रखे हैं हरा वबिल तौफ़ी सल्हस नबीना महमद असल वलकूलमसमिन फ़्क्फ़िरफ़ुर सुबहअलबी सुबह अच्छा अस्तफ़रो का कोई सवाल है क्या